तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ही होंगे गाइस। तो आज है 11 तारीख गाइस। तो आजकल छुट्टी पड़ी हुई है स्कूल की, तो मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। स्कूल की छुट्टी पड़ी है तो इसलिए 16 तारीख तक पड़ी है गाइस छुट्टी। तो 16 तारीख को जाना है हमको। तो गाइस देखिए, कई दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं एक ब्लॉग ही शूट कर लूँ गाइस। तो ये देखिए, आज का मौसम दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये देखिए, मौसम कुछ इस प्रकार का हो रहा है। ये देखिए गाइस, ये यहाँ है केले के पेड़ गाइस, वहाँ उधर भी केले के पेड़ हैं, इधर भी। ये हमने जो सब्जी लगाई थी वो सब्जी अच्छी तरह हो गई है गाइस, ये देखिए। तो गाइस कई दिनों से धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही है, और आकाश में देखो बादल छाए हुए हैं और कोहरा ही लगा रहता है। ठंड बहुत हो रही है गाइस। तो मैं आया था मंदिर में, अपने मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए, गंदा हो रहा था तो मैं लगाता हूँ झाड़ू। आइए आपको भी दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए मेरे हाथ में झाड़ू। आइए चलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो भोलेनाथ जी। धूप निकाल दो प्रभु, बहुत ठंड हो रही है। देखिए शिव जी, वो हैं हमारे नंदी भगवान। गाइस आइए झाड़ू लगाता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ मैं। ये रही झाड़ू, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए गाइस, तो ये देखिए गाइस, इस मंदिर चमक चुका है। तो आइए चलते हैं अब घर की तरफ। तो ये देखिए मंदिर हो चुका है साफ गाइस। तो ये देखिए मौसम बहुत ही वो है गाइस, धूप नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हाँ, कोहरा, थोड़ा बहुत कोहरा लगा है गाइस। तो देखिए ये है हमारा अमरूद के पेड़ गाइस। तो ये देखिए यहाँ को भी बहुत गंदा हो रहा है गाइस। तो मिलते हैं आपको सफाई करने के बाद, तब तक आप व्लॉग में बने रहिए गाइस। तो गाइस झाड़ू लग चुकी है, तो ये देखिए मैंने सब साफ कर दिया गाइस। ये देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है गाइस। ये देखिए सब जगह मैंने झाड़ू लगा दिया गाइस। ये देखिए गाइस ये है मंदिर। तो गाइस आइए अब करते हैं पढ़ाई। कई दिन हो गए तो BA के प्राइवेट फॉर्म भी नहीं आ रहे हैं गाइस, शायद लगता है मुझको। तो आइए देखते हैं, जो भी होगा 10-11 तारीख को पता चल जाएगा गाइस। तो आइए हम तब तक अपनी स्टडी करते हैं। तो चलिए आइए करते हैं पढ़ाई। आप भी
तो गाइस पढ़ाई करके तो मैं आ चुका हूँ और मैं आ चुका हूँ यहाँ अपने खेत में धूप सेकने के लिए। गाइस तो थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना धूप में बैठ जाऊँ। गाइस हो ये देखिए गाइस आजकल बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है गाइस, बहुत ठंड हो रही थी तो यहाँ धूप से आ रही थी, मैंने सोचा कि क्यों ना धूप में बैठ जाऊँ। गाइस तो आज मैंने अपने बाल भी नहीं कटाए, बहुत बढ़िया हो रहे हैं, 2 महीने हो गए मैंने कटवाए नहीं क्योंकि ठंड हो रही है गाइस, इसलिए बाल नहीं कटवाए नहीं मैंने, अब कटवाऊंगा गाइस 1-2 दिन में। गाइस बस आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है गाइस, ये देखिए खेत में हमारे इतनी हरियाली छाई हुई है गाइस। इतनी हरियाली छाई हुई है तो मैं मिलता हूँ गाइस आपको शाम को, तब तक आप ब्लॉग में बने रहिए गाइस। तो गाइस अभी बच्चे हुए हैं शाम के 5, तो अभी धूप चली गई है, धूप में बैठे थे हम, तो ये देखे गाइस धूप चली गई है बस, और मैं सेक रहा हूँ गाइस यहाँ पर आग, वो बहुत ठंड हो रही है गाइस, बहुत ठंड हो रही है। ये देखिए वो देखे गाइस धूप चली गई इधर, ये आया है यहाँ पर डॉगी, तो दी है हमने रोटी, तो ये देखे गाइस ये आग बाल दी है और आग सेक रहा हूँ मैं यहाँ पर, बहुत ठंड हो रही है गाइस, बहुत ठंड हो रही है गाइस। तो गाइस अब मम्मी जा रही है साग लेने के लिए, आज हम पालक की सब्जी बनाएंगे, तो आइए आपको दिखाते हैं। तो गाइस वो जा रही है मम्मी, देखिए जा रही है मम्मी, मम्मी क्या ला रही हो? तो गाइस ये देखिए सूर्य देवता अब छिप रहे हैं, ये देखिए अब अभी तक धूप आई थी गाइस आज कई दिनों बाद, 15-20 दिनों के बाद आज आई थी बढ़िया धूप, तो हमने अच्छी तरह से सेकी गाइस। तो ये देखिए ये डॉगी यहाँ भी आ चुका है, ये देखिए गाइस मम्मी काट रही है यहाँ पालक, ये देखिए गाइस आज हम बनाएंगे पालक का साग और रोटी, गेहूँ की रोटी गाइस, बहुत आनंद आ जाता है गाइस। तो इसी के साथ मैं करता हूँ इस ब्लॉग का एंड गाइस, तो कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आज ब्लॉग में कुछ था नहीं बस ऐसे ही, मैंने सोचा कि चलो बस ब्लॉग ही बना लूँ, सुबह उठा मैं इस तरीके से शुरुआत करी मैंने। तो गाइस अगर ये आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना गाइस, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।